कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज संसद के आने वाले शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में पार्टी के वरिष्ठ सांसदों के साथ बैठक करेंगी। संसद में किन मुद्दों को उठाना है और मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक किसानों के मुद्दे और महंगाई समेत करीब 15-16 मुद्दे हैं जो कांग्रेस संसद के शीतकालीन सत्र में उठाएगी। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ पार्टी नेताओं की हुई वर्चुअल मीटिंग में भी तय हुआ था कि संसद में इस बार महंगाई, पेगागस, बेरोजगारी, चीन का मुद्दा और कोविड जैसे मामलों पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश होगी। जानकारी के मुताबिक बैठक शाम 4 बजे होगी और इस बैठक में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सोनिया गांधी नेताओं को निर्देश देंगी कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मुद्दों को सत्र के दौरान उठाया जाए और सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर किया जाए। तो एक बार फिर से संसद के सत्र को लेकर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी जो है विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। सोनिया गांधी आज बता दें पार्टी के वरिष्ठ सांसदों के साथ बैठक करेंगी और संसद का शीतकालीन सत्र 29 तारीख से शुरू होने वाला है, उसमें सरकार को किस किस मुद्दे पर घेरना है इसको लेकर आज बैठक में चर्चा होगी।